नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिनों में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आने वाला है। हमने आज सोचा कि आज आपके साथ कुछ प्रकृति से जुड़ी हुई एक कहानी शेयर करें। ये कहानियों का सिलसिला लगभग पिछले 2.5 साल से चल रहा है और आप भी उसको लाइक करते होंगे, देखते होंगे, शेयर करते होंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये अच्छी कहानियाँ, ये प्रेरणादायक कहानियाँ, ये सन रेज की तरह पूरे विश्व के अंदर फैलती रहें। एक बुजुर्ग थे जो प्रकृति में बहुत समय व्यतीत करते थे। उनके घर के आसपास जो भी लोग थे, उनके दोस्त या उनके परिवार के सदस्य, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उनके पास आते थे और वो हमेशा उनको कहते थे कि चलो आज मेरे साथ चलो। तो वो उनको अपने साथ ले जाया करते थे और दिन भर उनके साथ रहते। शाम को जब उनको वापस लेकर आते तो वो आदमी ठीक हो जाता। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, सिर में दर्द हो रहा है, ऐसी कोई छोटी मोटी बात होती थी तो लोग हमेशा उनके पास ही जाया करते थे। वो कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन सब मानते थे कि उनके साथ समय व्यतीत करने से आदमी ठीक हो जाता है। तो एक दिन उनसे किसी ने पूछा कि अंकल, आप सबको लेकर जाते कहाँ हो, हमें अपने बारे में बताओ। तो वो अंकल ने कहा, चलो मेरे साथ चलो। उन्होंने एक ऐसा स्थान दिखाया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और अंकल ने जाकर एक पेड़ को ऐसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मैं जिसको भी यहाँ पर लेकर आता हूँ उनको बोलता हूँ कि किसी भी एक पेड़ को ऐसे पकड़ लो और आंखें बंद करके 10 मिनट तक उस पेड़ के साथ अपने मन ही मन बात करो और उस पेड़ को बताओ कि आज मेरी ये प्रॉब्लम है, जैसे कि आज मुझे बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है। तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी नेगेटिविटी वो पेड़ आपसे ले लेता है और पेड़ों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो उस नेगेटिविटी को अपनी शक्ति से नष्ट कर देते हैं और आपकी प्रॉब्लम अपने में समा लेते हैं। ऐसा उन्होंने बताया कि जो भी पेड़ पुराने होते हैं, जैसे 150 साल का पेड़ होता है, खासकर कि अगर वो पीपल का हो या बरगद का हो या आम का, नीम का, तो वो ये काम करता है। पेड़ धरती से जुड़े होते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम को अर्थ कर दो, तो वो पेड़ उस प्रॉब्लम को अर्थ कर देता है और हम लाइट हो जाते हैं। ऐसे ही एक 95 ईयर्स के मिस्टर अहूजा हैं जो अबोहर में रहते हैं। एक छोटा सा मैसेज उन्होंने बनाकर भेजा, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दादाजी, पेड़ क्यों होते हैं? पेड़ हमें जीवन देते हैं, पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ों से पक्षी हैं, उनको रहने के लिए जगह मिलती है। पेड़ों से पानी, बारिश का पानी जो है ना, वो रुक जाता है, तो इसलिए फ्लड नहीं आते। अब देखो, इन्होंने कितने पेड़ काटे हैं, पहाड़ों पे पेड़ काट दिए, सड़कों पे पेड़ काट दिए, तो उससे सारे हिंदुस्तान में फ्लड आ गया। तो पेड़ तो हमारे जीवन का रक्षक है, हमारे जीवन पेड़ के बगैर कुछ नहीं है। पेड़ बहुत जरूरी है, जीवन में 4 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, कम से कम 4 पेड़ लगाओ जरूर। जिस तरीके से गाड़ी रुकती है तो हम उसके अंदर पेट्रोल या डीजल डाल के गाड़ी को फिर से चलाने का, या आजकल तो ईवी आ गई हैं तो उसको चार्ज करके चलाते हैं। हमारा फोन रुक जाता है तो हम फोन को चार्ज करते हैं। इसी तरीके से हमें अपने शरीर को भी चलाने के लिए, चार्ज करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सही मात्रा में सोने की आवश्यकता होती है, सही मात्रा में एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी इन चीजों से जब आगे बढ़ जाते हैं तो जैसे प्रिया ने कहा कि प्रॉब्लम आती है, तो जैसे 3 तारे होती हैं, 2 तारे नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, लेकिन तीसरी जो तार होती है उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो शायद ये प्रोसेस एक अर्थिंग के साथ जुड़ा हुआ है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अर्थ कैसे करते हैं। धरती हमें सब कुछ देती है,
ये वृक्ष, वनस्पति, पौधे, ये एक जीवंत उदाहरण है। जैसे आहूजा जी के इस प्रयास के साथ अगर आप भी सोचें कि हम वृक्ष को पकड़ के अर्थ के साथ जुड़ के, चाहे घर के अंदर गार्डनिंग करते हुए, अगर हम वो मिट्टी को महसूस कर सकें, पेड़ों को, वनस्पति को महसूस कर सकें और अपने मन से हम अपनी प्रॉब्लम्स को उसको अर्पण कर सकें, तो शायद हमें भी लगेगा हम हल्के हो गए हैं, हम फिर से चार्ज हो गए हैं और सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।